हेलो गाइस, सब सो कैसे हैं? होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, फिलहाल मैं आपको बात करने वाला हूँ बेस्ट पावर बैंक इंडियन मार्केट में अवेलेबल है ना, जो आपको 2022 में भी प्रेफर करने चाहिए, वो आपको मैं यहाँ पर सजेशन करने वाला हूँ। आपके स्मार्टफोन को अगर आप या आप अपने लैपटॉप को डे में यानी दिन में दो बार चार्ज करते हो और आपको नेटवर्क यानी लाइट की भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी आप गाँव से ढाणियों से फिर आपको यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम होती है आपके इलाके में, तो वहाँ पर आपको बेस्ट पावर बैंक आपको अवेलेबल होना चाहिए। यानी आपको पावर बैंक परचेस करने के लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया है जो आप फॉलो करने पर आपको बेस्ट पावर बैंक है ना वो आपको मिल जाएगा। तो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में आपको टॉप थ्री यहाँ पर आपको पावर बैंक सजेशन करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर फाइव ऐड नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज वहाँ पर आपको फिर बहुत ही ज़्यादा आपके यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाती है। फिर आप कमेंट करते हो कि सर हमें बेस्ट यहाँ पर पावर बैंक नहीं मिला, फिर हमें यहाँ पर अच्छा पावर बैंक नहीं मिला, हमें यहाँ पर इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है, वो हो रही है। तो मैं आपको ओनली थ्री यहाँ पर आपको जो पावर बैंक है ना उनको यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। तो बने रहें वीडियो में एंड तक। बट उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो ना तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके और प्रेस कर दें एंड लाइक जरूर से कर दें। एंड गाइस, मैं मिलता हूँ एंड मैं जल्दी से इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो नंबर फर्स्ट पर आता है यहाँ पर हमारे Xiaomi हाइपरसोनिक 20,000 यस 20,000 mAh पावर बैंक। यहाँ पर गाइस, ये आता है Xiaomi की तरफ से। यहाँ पर गाइस, मैंने इस पावर बैंक को अपने लिस्ट के फर्स्ट नंबर पर क्यों रखा है, सो गाइस उसका रीज़न बता देता हूँ मैं आपको कि ये पावर बैंक ना ये मोबाइल एंड यहाँ पर लैपटॉप और जो स्मॉल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है जिसमें आप यहाँ आपको USB टाइप सी और माइक्रो USB केबल है ना वो अटैच हो जाती है। उसके साथ ही गाइस, यहाँ पर आपको 50 वाट की आउटपुट देखने के लिए मिल जाती है। सेकेंड रीज़न इसका ये हो जाता है। उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पर जो पोर्ट्स देखने के मिलते हैं ना वो आपको यहाँ पर टू पोर्ट्स देखने के मिलते हैं, जहाँ पर आपको 50 वाट के लिए लैपटॉप को सपोर्ट करता है। उसके बाद गाइस, 50 वाट के हाइपरसोनिक चार्ज को ये सपोर्ट करता है। एंड उसके बाद इस पावर बैंक में गाइस आपको स्मार्ट पावर मैनेजर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर आप इसे जो ऑप्टिमाइज कर सकते हो यानी इसे सेट कर सकते हो कि किसे कितना पावर देना है और किसे कितना पावर देना है, और ये आपको बता देगा फिर आपको कि इसे इतना पावर दिया है। उसके बाद गाइस, बॉक्स को ओपन करोगे ना तो आपको सबसे पहले आपका जो पावर बैंक देखने लिए मिलेगा, जहाँ पर आपको नो हैवी इसका वजन भी ज़्यादा नहीं देखने लिए मिलेगा। उसके बाद गाइस, ये आपको कलर मैट ब्लैक फिनिशिंग आपको प्रोवाइड करता है, यानी इसका लुक है ना वो स्मार्टफोन के बैक डिज़ाइन आता है ना उसकी तरह आपको देखने लिए मिलता है। उसके बाद गाइस, बॉक्स में आपको टाइप सी का केबल देखने लिए मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी के अंदर गाइस, आपको यहाँ पर कार्बनिक मटेरियल का यूज़ किया गया है, जहाँ पर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी ना वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी आपके हाथ से जब ये गिर जाएगा ना तो वहाँ पर आपको जो इसके टूटने के चांस है वो कम हो जाएंगे। उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पर राइट साइड में आपको यहाँ पर पावर ऑन ऑफ की देखने लिए मिल जाती है। उसी पर रियर की पैनल पर गाइस, आपको यहाँ पर ब्रांडिंग देखने लिए मिल जाती है। उसके साथ गाइस, एप्पल पोर्ट सेटअप देखने मिल जाता है, जहाँ पर आपको 2 USB Type-A पोर्ट देखने मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको जो आउटपुट देखने मिल जाता है 22.5 का आपको यहाँ पर आउटपुट देखने मिल जाता है। एंड यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको सेंटर ऊपर की साइड आपको यहाँ पर पोर्ट टाइप सी का देखने लिए मिल जाता है, यानी आपको Type-A to Type-A पोर्ट के सेंटर में आपको यहाँ पर टाइप सी का जो पोर्ट देखने मिल जाता है, वहाँ पर आपको जो लाइट का इंडिकेटर है वो पावर ऑन ऑफ की आपको देखने लिए मिल जाता है, यानी आपको इसमें लाइट का सपोर्ट भी देखने लिए मिल जाता है। ये गाइस, इस पावर बैंक को आप इजीली कैरी कर सकते हैं, बिकॉज ये स्मार्टफोन के जैसे ही आपको फील देने वाला है। एंड गाइस, आप इसमें इसको सबसे अच्छी बात हो जाती है कि आप इसे फ्लाइट में भी ले जा सकते हो, अगर आपको वहाँ पर स्मार्टफोन आपका डिस्चार्ज हो जाता है, फिर आपके स्मार्टफोन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसे जो फ्लाइट में भी इसे यूज़ कर सकते हो। प्राइस पॉइंट की बात करता हूँ तो गाइस, 3,499 इसकी प्राइस है। एंड गाइस, इन तीनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएंगे। एंड गाइस, अच्छे खासे ऑफर के साथ आप उन्हें वहाँ से डिस्क्रिप्शन से उन्हें बाय कर सकते हो। MI पावर बैंक बूस्ट प्रो 30,000 mAh, जो कि हमारे नंबर टू पर आता है। एंड गाइस, Xiaomi का ये पावर बैंक है ना ये किसी इन्वर्टर से तो कम नहीं है, बिकॉज आप एक ईंट ले लीजिए फिर आप अपने स्मार्ट फिर आप इस पावर बैंक को ले लीजिए। यहाँ पर गाइस, आपको यहाँ पर दो जो टाइप ए पोर्ट देखने मिल जाते हैं, उसी के साथ गाइस आपको यहाँ पर एक टाइप सी का पोर्ट देखने लिए मिल जाता है। वेट की बात करता हूँ तो गाइस, 650 ग्राम यस आधे किलो से भी इसका वजन है वो ज़्यादा देखने लिए मिल जाता है। प्राइस पॉइंट की बात करता हूँ तो गाइस, ये 2500 की प्राइस में देखने मिल जाता है। एंड गाइस, आप सोच रहे होंगे कि इसकी प्राइस इतनी कम क्यों है, तो गाइस उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको जो आउटपुट देखने मिल जाता है ना वो 18 वाट का देखने लिए मिल जाता है। उसके बाद गाइस, थर्ड नंबर पर आता है हमारे पास रियलमी 30 वाट डॉट पावर बैंक। यस, ये आपको 10,000 mAh का पावर बैंक है। एंड गाइस, यहाँ पर आपको आउटपुट स्पीड फास्ट देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको लाइट वेट अगर आपको पावर बैंक चाहिए रियलमी का, तो आप डेफिनेटली रियलमी 30 वाट डॉट पावर बैंक की तरफ जा सकते हैं। एंड गाइस, इसके नाम में आपको रियलमी की तरफ से आपको 30 वाट डॉट इसलिए लगाया गया, बिकॉज ये आपको 30 वाट की जो फास्ट
आउटपुट है वो आपको प्रोवाइड करता है। आई मीन ये एक साथ दो डिवाइस को चार्जर कर सकता है, यानी आपको इसमें टाइप ए एंड टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आप इसे लैपटॉप भी से चार्ज कर सकते हो, इजीली चार्ज कर सकते हो। वेट की बात करता हूँ तो गाइस 230 ग्राम का आपको वेट देखने लिए मिल जाता है। तो गाइस अब फाइनली मेरा ओपिनियन आपको बता देता हूँ कि आपको किस रीजन से इन्हें बाय करना चाहिए। तो लाइट में अगर आपको यूज़ करना है फिर आप यहाँ पर आपको लाइट वेट जो पावर बैंक चाहिए रियलमी की तरफ से, और वहाँ पर आपको आउटपुट ज़्यादा चाहिए यानी चार्जिंग स्पीड ज़्यादा चाहिए, और तो आप डेफिनेटली यहाँ पर शाओमी हाइपरसोनिक 20,000 mAh पावर बैंक की तरफ डेफिनेटली देख सकते हैं। नो डाउट आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए फेस करने के लिए मिलेगी। उसके बाद गाइस बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर MI पावर बैंक बूस्ट प्रो 30,000 mAh, यानी अगर आपको यहाँ पर यानी लॉन्ग बैटरी चाहिए अपने पावर बैंक में, यानी आप 10 से 15 दिन आप स्मार्टफोन को चार्ज करने वाले हो इस पावर बैंक से, तो डेफिनेटली आपको 30,000 mAh के पावर बैंक की तरफ देखना चाहिए, भले ही आपको यहाँ पर जो आउटपुट स्पीड है ना वो स्लो देखने लिए मिल रहे। एंड गाइस ये तीनों की तीनों पावर बैंक है ना वो रिसेंटली लॉन्च हुए न्यू पावर बैंक, तो डेफिनेटली आपको इनकी तरफ देखना चाहिए। लिंक इन तीनों का डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस करते हैं एंड लाइक जरूर से करते हैं। एंड गाइस मैं मिलता हूं आपसे एक न्यू ऑफर वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।